टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपोजिट चार्जेस सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स सेपरेटली टू स्ट्रिंग्स सेपरेटली फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब इसमें बहुत कुछ पूछते हैं तो मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ऐसे समझो कि सपोज कर लो ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये दिस इज अ फिक्स पॉइंट एंड टू चार्जेस आर हियर द टू बॉल्स हैविंग द दे आर आइडेंटिकल ऑलमोस्ट। तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और दोनों पे जो चार्ज भी सेम है, लेकिन सॉरी जस्ट वेट, इक्वल चार्जेस नॉट अपोजिट, इक्वल चार्जेस, ठीक है, इक्वल चार्जेस। नो तो लेट्स से इस पे चार्ज क्यू है और इस पे भी चार्ज क्यू है, तो व्हाट विल हैपन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है एल, तो होगा क्या, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, यही होगा। इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, रिमेंबर। ओके, अगर मासेस सेम है, दे हैव द सेम मासेस हियर, तो दे विल मेक इक्वल एंगल, अगर मासेस डिफरेंट होंगे तो एंगल सेम नहीं होंगे, दे आर मेकिंग सेम एंगल, ठीक है। तो आर यू गेटिंग द डायग्राम एवरीवन बॉयज एंड गर्ल्स, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है ना? हेलो, ओके ओके, नाउ दे आर रिपेलिंग, ओके, एक्चुअली टू आइडेंटिकल बॉल हैविंग इक्वल चार्जेस सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग सेपरेटली फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो हमने क्या किया, दो चार्जेस थे और चार्ज आपको मालूम है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो मास है, ओके, हमने आइडेंटिकल मास ले लिए और दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम ले लिए, तो व्हाट विल हैपन, इनको एक ही पॉइंट से हैंग किया गया, तो दे विल रिपेल, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे और वो एक दूसरे से दूर हो जाए, ठीक है। लेट्स से इनके बिटवीन डिस्टेंस हम ले लेते हैं, लेट्स से डिस्टेंस इज आर, लेट्स से डिस्टेंस इज आर, ओके, डिस्टेंस इज आर, ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, लेट्स से डिस्टेंस इज आर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाय टू एंड आर बाय टू। अच्छा, स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा, तो आपको मालूम है स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा हियर, दैट इज टी, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। और आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को ब्रेक करना मालूम है कैसे ब्रेक करते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, टेंशन को ब्रेक कर दो दो पार्ट में, इधर क्या आ जाएगा, दैट इज इधर आ जाएगा, दैट इज इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, और वेट किधर होगा, वेट होगा डाउनवर्ड, दैट इज एम जी, ठीक है,
ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4πε0 q into q q square upon r square इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा. आर यू गेटिंग द कंप्लीट डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड द डायग्राम ना. जस्ट बैलेंस द फोर्सेस, ठीक है, जस्ट बैलेंस द फोर्सेस, ठीक है. तो बैलेंसिंग फोर्सेस तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फोर्स. तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट, दैट इज एम जी. टेकिंग रेशियो व्हाट यू विल गेट, रेशियो लेंगे तो क्या होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय जी, एफ बाय एम जी, ठीक है. और एफ को क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम जी टैन थीटा. और तुम चाहो तो फोर्स की वैल्यू भी यहां पे लाके रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा. तो आप बहुत सी इक्वेशन बना सकते हैं, ये थ्री हो गया. आप चाहो तो फोर्स की वैल्यू रख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, दैट इज 1/4πε0 दैट इज q1 q2 दैट इज q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. आप चाहो तो tan थीटा भी निकाल सकते हो. आप कहेंगे tan थीटा सर कहां से निकलेगा, ये ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग ये ट्राइंगल ले लेंगे, तो tan थीटा भी निकल सकता है. ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4. तो tan थीटा भी निकल सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आर यू गेटिंग, थीटा स्मॉल है तो tan थीटा को यू कैन राइट sin थीटा आल्सो. इज इट क्लियर, तो कैसे भी आप कर सकते हैं. आर यू गेटिंग, सो आई एम नॉट डूइंग एनी प्रॉब्लम. मैंने थोड़ा आपको फोर्सेस को कैसे ब्रेक करते हैं, अब जो पॉइंट आउट करना होगा कर लें. इज इट क्लियर, कॉपर ऑन दिस वन. तो मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये कॉपर ऑन दिस वन, नहीं नहीं आई थिंक पाथाग्रस थ्योरम गलत अप्लाई किया है यहाँ पर. ये क्या आएगा, माइनस होगा ना, माइनस होगा ना, दैट इज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4. टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा जो जाओ निकाल लो उसमें से, ट्राइंगल तो है तो ना तुम्हारे पास.
Can you scroll it? Yes, please wait. Done, sir. Okay, now. इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, तरीका यही करने का, और वो क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम कर सकते हैं, बट पहले तुम्हारा मेन डायग्राम यही रहेगा। हाँ, वैल्यूज तुम्हें देखना पड़ेगा, क्या दिया है क्या नहीं दिया, और क्या फाइंड आउट करना मिल जाएगा। Done, sir. Done, sir. इस टाइप के प्रॉब्लम आप देखेंगे ना ऐसे वर्मा में बहुत दे रखे, तो जे स्टूडेंट कैन गो फॉर इट, और नीट स्टूडेंट एनसीईआरटी से करें। आर्गोटिक मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीट के स्टूडेंट एनसीईआरटी से करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जे के स्टूडेंट एनसीईआरटी से भी करेंगे, और एस सी वर्मा से भी कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे अपने, ठीक है। और सीईटी के स्टूडेंट तो आप लोग अपनी सीईटी की मार्बल बुक से करिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू, अब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत पढ़ लिया, अब हम आते हैं फील्ड। जैसे आपने सुना होगा क्लास 10 में मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। अब हम सेकेंड एक सब टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, फोर्स के बाद हम फील्ड पे आते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ई। होता क्या है कि व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड, व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड when charge is placed in an electric field, it experiences a force. It experiences a force. वो तो ठीक है, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। समझाने की कोशिश है, हम दो वर्ड यूज करते हैं, कौन कौन से दो वर्ड यूज करते हैं। एक हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ये वर्ड टीचर पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार बोलता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसको क्यू नॉट से डिनोट करते हैं बहुत से, और इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। आप कहेंगे व्हाट इज टेस्ट चार्ज, तो ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव नहीं लेते। हमारे सिलेबस में, इन ऑल द सिलेबस या इंटरनेशनल सिलेबस में भी टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स ओन
around itself. It do not disturb electric field of, it do not disturb electric field of other charges. Other charges. It is used for test. It is used for test. ये test के लिए use. एक होता है source charge. आपके what do you mean by source charge? Source charge को आप वो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. It may be positive or negative. It doesn't matter. ठीक है, ये इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव. और निगेटिव हैविंग लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. लार्ज मैग्नीट्यूड सर लास्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है? मतलब इसको जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ टेस्ट किया कुछ चेक करना हो तो हम इसको यूज करें. अभी बताते हैं इसको मतलब टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं बस. ठीक है, जैसे कुछ चेक करना हो कुछ मतलब फोर्स की डायरेक्शन चेक करना हो या उससे तो हम यूज कर. जस्ट वेट, मैं भी समझाता हूं. लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इट हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ. Around itself, it can attract or repel other charges in its. It can attract or repel any other charge when placed in its electric field. When placed in its electric field. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये रिपेल या फिर अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, मेन चार्ज है. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. फिर हमने दो चार्ज बताए, एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज है. बड़ा वाला जो है सोर्स चार्ज बोलते हैं, उसके बाद बड़ा मैग्नीट्यूड होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी अपनी फील्ड होती है, वो किसी को भी अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. दूसरा एक टेस्ट चार्ज बताया, वो बहुत ही वो हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा होता है, उसकी को अपनी कोई फील्ड नहीं होती है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो सिर्फ टेस्ट के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर. ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर. अब आप कहेंगे सर फील्ड होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड? एक्चुअली अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. चार्जेस अगर किसी के कांटेक्ट में नहीं होते तो भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और हमको टच नहीं करेगा तो भी हमको अट्रैक्ट कर सकता है. वैसे सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मैग्नेटिक फील्ड इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं ना वो वर्क करते हैं थ्रू देयर फील्ड. तो देखो लिसन हियर, जस्ट हियर, सपोज दिस इज एनी चार्ज. ये कोई चार्ज है, चार्ज Q1 लेट्स से. ये क्या करता है? अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है. इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक्शन लेता है. Action on charge Q2. तो क्या Q1 ने Q2 को directly attract या repel किया? No. उसने अपने पहले Q1 ने क्या किया? अपने चारों तरफ एक field बनाया. ठीक है? फिर वो field जो है ना दूसरे charge पे action लेता. तो Q1 और Q2 के between एक intermediate medium क्या काम करता है? That is field. ठीक है? इसी तरह सारे charges क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग में, जैसे हमारे अर्थ के केस में क्या होता है, ऑल द मासेस, चाहे वो मून हो चाहे वो सन हो चाहे अर्थ, सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कि नहीं?
सिमिलरली क्या होता है, सारे चार्जेस का अपना अपना अपने सराउंडिंग में अपनी अपनी फील्ड क्रिएट कर देता है। अब उस फील्ड में दूसरा आएगा तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। हाँ, लेकिन टेस्ट चार्ज कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए यूज होता है। इज इट क्लियर? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। उसके साथ एक साथ कॉपी करना, जैसे ही मैं समझा रहा हूं। लेट्स सी, दिस इज अ चार्ज क्यू। लेट्स आई एम टेकिंग पॉजिटिव। ये सोर्स चार्ज है, इट्स अ बिग चार्ज, इट्स अ सोर्स चार्ज। और थोड़ी देर दूर पे हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रखा। इट्स अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को कुछ नहीं कर सकता। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। टेस्ट चार्ज का अपनी कोई फील्ड नहीं है। टेस्ट चार्ज किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दैट इज फॉर टेस्ट पर्पज। इसका मतलब फील्ड किसकी होगी यहां पर? सोर्स चार्ज की होगी, टेस्ट चार्ज की नहीं होगी। टेस्ट चार्ज तो छोटा सा है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। इज इट क्लियर? तो यहां पे चारों तरफ फील्ड किसकी होगी? चार्ज सोर्स चार्ज की होगी ना, क्यू। तो सोर्स चार्ज क्या कर सकता है? सोर्स चार्ज अगर मैंने पॉजिटिव लिया, टेस्ट चार्ज तो हमें ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दे विल रिपेल ईच अदर, तो वो उसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना। इज इट क्लियर? तो रिपेल करेगा उसको। इसका मतलब सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। क्या हमेशा रिपेल करेगा? नहीं। अगर सपोज कर लो, तो फर्स्ट केस लिया, लेट से अगर मैं सेकंड केस ले लेता हूं, अगर सपोज कर लो मैं यहां पे सोर्स चार्ज माइनस ले लेता हूं, सोर्स चार्ज तो माइनस भी हो सकता है। मेरी आवाज आ रही ना, सबको समझ में आ रहा है? yes, तो सोर्स चार्ज तो माइनस भी हो सकता है। अब अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दैट इज फॉर टेस्ट पर्पज ओनली। दिस टाइम माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फर्स्ट केस में इसको रिपेल कर रहा है, सेकेंड केस में क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, जस्ट हियर व्हाट डू मीन बाय फील्ड। अब आते हैं हम, फील्ड क्या है सर? आपने इतना तो बता दिया, ठीक है, टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज छोटा सा है, वो रिपेल हो जाता है। और दूसरे केस में टेस्ट चार्ज रखेंगे क्योंकि ये माइनस है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो फील्ड क्या हो, व्हाट इज द फील्ड? तो ध्यान से सुनो, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑल्सो। ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑल्सो। तो व्हाट इज फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज force experienced by unit positive charge at that point। यहां पर हमने point P लिया, at point P is defined as force experienced by unit positive charge at that point। तो देखो, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज तो क्लियर है। तो टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज की तरफ रखोगे तो वो रिपेल कर देगा उसको। टेस्ट चार्ज तो छोटा सा है, वो कुछ नहीं कर सकता। और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज की तरफ रखोगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। तो एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स ओवर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हाउ टू डिफाइन इट? लेट टेस्ट चार्ज इज वन,
one coulomb, then T is equal to F, and both having the same direction, दोनों को direction भी same होता है. Are you getting? The electric field at any point is defined as force experienced by unit positive test charge at that point. तो हमें अब समझ में आया, जिस आपने पूछा था ना ये टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज जो है ना फॉर टेस्ट पर्पस के लिए यूज होता है. ठीक है, जैसे अगर सपोज कर लो आपको नहीं मालूम है कि फोर्स किधर लगेगा, तो एक काम करते हैं ना, टेस्ट चार्ज को हम प्लेस करके देखते हैं वो किधर जाएगा. अगर टेस्ट चार्ज उससे अवे जा रहा है तो आप समझ जाएंगे सोर्स चार्ज पॉजिटिव है. अगर वो टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज की तरफ जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि सोर्स चार्ज नेगेटिव है. इसका मतलब बस ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है. और हमको ये भी मालूम चलता है कि फोर्स के टेस्ट चार्ज रखने के बाद कि टेस्ट चार्ज के पे फोर्स किस डायरेक्शन में है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है. जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है उस पॉइंट पे. आर यू गेटिंग? ये बात समझ में आया? व्हाट इज टेस्ट चार्ज एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज force experienced by unit positive test charge at that point. Unit positive test charge at that. Copy on this one. पहले copy कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर. Just copy on this one. इसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, वरना आप लोग जैसे देखो, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा एबसेंट रहे, नहीं ध्यान दिया, लेक्चर पे इधर उधर हो गया, तो फिर मतलब ना फिर प्रॉब्लम होगा. मतलब और ये चैप्टर प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट चैप्टर भी प्रॉब्लम होगा. मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, एक सेकेंड रुके रहा.